हेलो फ्रेंड्स, इट्स फ्रॉम रामपाल फ्राम एक्सल एंड आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी फॉर न्यूजीलैंड स्टडी वीजा इन ग्रीन लिस्ट कोर्सेज। जो डे स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स हमारी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ग्रीन लिस्ट कोर्सेज कौन से होते हैं या ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम कौन से होते हैं अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊँ ग्रीन लिस्ट कोर्सेज की इम्पोर्टेंस क्या है फॉर न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा न्यूजीलैंड में कई ऑक्यूपेशंस की कमी है या वहाँ के सिटीज़न ये ऑक्यूपेशन नहीं स्टडी कर रहे सो ओवर अ टाइम उनके पास शॉर्टेज आ जाती है किसी पर्टिकुलर स्किल की सो so, ऑटोमेटिकली जौन से बच्चे ग्रीन लिस्ट आ, के कोर्सेज़ में अप्लाई कर रहे हैं उनका वीज़ा सक्सेस रेट भी अच्छा रहेगा वहाँ पे स्टडीज भी इजी रहेगी एंड फाइनली पोस्ट स्टडी वर्क परमिट राइट्स भी मिलेंगे सो so, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीधा इंडिया से न्यूजीलैंड जाके आ, सेटल होना चाहते हैं सो आई विल रिकमेंड यू के आप ग्रीन लिस्ट कोर्सेज़ में अप्लाई कीजिए सो so, ये वीडियो में मैं कुछ ग्रीन लिस्ट कोर्सेज़ पे फोकस करूंगा कि एज़ अ स्टूडेंट आपको इन कोर्सेज़ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं आ, उस पर आपके वीज़ा का आपके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का क्या अफेक्ट पड़ेगा एंड इस वीडियो में हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी डिस्कस करेंगे जिनका एक्सेल सेटलअप वॉर्ड के साथ डायरेक्ट टाइप है एंड ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा सो एज ऑफ जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर ग्रीन लिस्ट कोर्सेज़ इशू किए हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे कोर्सेज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है एज इट इज़ हम सारे इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं या पैन इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया श्रीलंका या नेपाल से अप्लाई कर रहे हैं सो so, मैं स्पेसिफ़िकली वही कोर्सेज़ बताऊँगा जो इंडियन सिटीजन्स के लिए वहाँ पर अवेलेबल है सो फर्स्ट इज़ योर सिविल इंजीनियरिंग एज इन ऑलमोस्ट सिविल इंजीनियरिंग में न्यूज़ीलैंड uh, डिप्लोमा भी ऑफ़र करता है एंड डिग्री भी ऑफर करता है सो so, बैचलर्स जिन स्टूडेंट्स ने की हुई है टू थाउजेंड एटीन में भी अगर आपने अपनी नॉन मेडिकल से प्लस टू कम्प्लीट की है आइल्स में ओवरऑल 5.5 पॉइंट फाइव विद नो लेसन फाइव पॉइंट फाइव या ओवरऑल सिक्स विद नो लेसन फाइव पॉइंट फाइव हैं आप सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी लेवल फाइव सिक्स या सेवन के इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं सो सिविल इंजीनियरिंग इज़ अ ग्रीन लिस्ट कोर्स इफ़ यू आर इन सिविल इंजीनियरिंग इन न्यूजीलैंड आपके वीज़ा चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे एंड जो से स्टूडेंट्स डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं सो so, आपको जितनी ड्यूरेशन का आपका डिप्लोमा है उतनी ही ड्यूरेशन का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो so, अराउंड आपको तीन साल का uh, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा सो द सेकेंड कोर्स डैट इज़ इन ग्रीन लिस्ट डेट इज़ योर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर सो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर एज़ इट इज़ इस कोर्स को करने के लिए आपको कोई स्पेसिफ़िक बैकग्राउंड नहीं चाहिए अगर आपने इंडिया में प्लस टू कमर्स से की है आर्ट से की है डजेंट uh, मैटर आप इस कोर्स के डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं यू आर गुड टू गो जिन स्टूडेंट्स ने इंडिया में ग्रेजुएशन की है अराउंड टू ईयर्स का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर का डिप्लोमा न्यूजीलैंड में अवेलेबल है अगेन जो uh, से स्टूडेंट ट्वेल्थ के बाद डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं आपको एक साल का वर्क परमिट मिलेगा जो उनसे स्टूडेंट डिग्री के लिए जा रहे हैं एट द ड्यूरेशन ऑफ डिग्री आपको उतना वर्क परमिट मिलेगा सो द सेकेंड कोर्स इज दैट इज़ इन द ग्रीन लिस्ट दैट इज़ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर सो द नेक्स्ट कोर्स इज यक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कोर्स एज इट इज़ द नेम सुजेस्ट ये इंजीनियरिंग कोर्स है तो प्लस टू के बच्चे जिनके पास नॉन मेडिकल है वही इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं Uh, अगर आपने अपनी प्लस टू 2018-19 में की है यू आर गुड टू गो आइल्स ओवरऑल सिक्स विद नो लेस दैन 5.5 आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं सो अगेन प्रोसेस सेम रहेगा uh, एक से डेढ़ साल का डिप्लोमा है उतना ही आपको वर्क परमिट मिलेगा एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर योर पी आर जोन से स्टूडेंट्स ने इंडिया में बी टेक की है दे कुड ऑल्सो अप्लाई फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा दैट इज़ योर ग्रेजुएट डिप्लोमा और मास्टर डिप्लोमा आप डिग्री में भी अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जितनी देर आपने अपनी एजुकेशन uh, में टाइम इन्वेस्ट किया अगर आपकी डिग्री एक साल की है तो एक साल का पोस्ट अडी वर्क परमिट डेढ़ साल की है तो डेढ़ साल का पोस्ट अडी वर्क परमिट मास्टर्स डिग्री अगर आपने टू ईयर्स की कंप्लीट किया तो आपको टू ईय का पोस्ट अडी वर्क परमिट मिलेगा सो आफ्टर दैट इज योर फूड टेक्नोलॉजिस्ट एज इट इज़ ये फील्ड मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड है अगेन प्लस टू में जिन्होंने मेडिकल सब्जेक्ट लिया था बायोलॉजी स्टडी की है या मेडिकल स्ट्रीम जैसे सब्जेक्ट पढ़े हैं वो इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट के आयल्स की रिक्वायरमेंट इस कोर्स की स्ट्रीम है आपको ओवरऑल सिक्स और एक ही मॉड्यूल में आप 5.5 के साथ इसके इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी से कोर्स ऑफर करती हैं अगेन प्लस टू आपकी 2019 2020 में कंप्लीट हो जानी चाहिए एंड आफ्टर दैट गैप है तो आप वर्क फ्री शो करके गैप कवर कर सकते हैं uh, डेढ़ साल का डिप्लोमा है वन ईयर एंड सिक्स मंथ्स का डिप्लोमा है ग्रीन लिस्ट का कोर्स है आपको सेम ही ड्यूरेशन आगे मिलेगा आप इस कोर्स में मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बट uh, uh, कोई मेडिकल फील्ड में आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सो यू कैन अप्लाई मास्टर्स डिग्री एज़ वेल मास्टर्स में आपने जितनी डिग्री का आपका कोर्स होगा उतना ही आपको आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा सो द नेक्स्ट कोर्स इज़ मल्टी मीडिया स्पेशलिस्ट सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो उनसे स्पेसिफिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग सोशल मीडिया हैंडलिंग जैसे कोर्सेज न्यूजीलैंड में जा स्टडी करना चाहते हैं ओवरऑल uh, इस यूनिवर्सिटी की न्यूजीलैंड में काफ़ी डिमांड है ऐसे प्रोफेशनल्स uh, की न्यूजीलैंड में काफ़ी डिमांड है तभी ये कोर्स ग्रीन लिस्ट में आ, शामिल किया गया है सो एज़ ऑफ नाउ इसकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी ओवरऑल सिक्स विद नो लेसन फाइव पॉइंट फाइव अगर आपने बैचलर्स लेवल में जाना है या ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल में जाना है अगर आपने इसमें मास्टर्स डिग्री में जाना है तो ओवरऑल सिक्स पॉइंट फाइव विद नो लेसन फाइव पॉइंट फाइव के साथ आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट सेम रहेगा जितनी देर का आपका कोर्स है उतनी देर की ही आपकी पोस्ट अली वर्क परमिट रॉइड्स मिलेंगे सो द नेक्स्ट कोर्स दैट इज़ इन ग्रीन लिस्ट इज़ योर टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज द नेम सजेस्ट ये कोर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है सो प्लस टू वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी प्लस टू नॉन मेडिकल में कंप्लीट किया है, वही स्टूडेंट्स इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं सो आफ्टर दैट अगर इस कोर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बताऊँ अगेन आपकी प्लस टू टू थाउजेंड एटीन में कम्प्लीट हो जानी चाहिए नो आफ्टर दैन डैट आइएस में आपकी ओवरऑल सिक्स विद नो लेसन फाइव पॉइंट फाइव इज़ अ गुड स्कोर टू गो ओवरऑल अगर आप इस कोर्स में मास्टर्स uh, में अप्लाई करना चाहते हैं तो इंडिया में आपके पास कोई बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू इंजीनियरिंग फील्ड तभी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट स्टडी वर्क राइट सेम रहेंगे जितनी देर का आपका कोर्सनिशन है उतने ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा सो so, इनके अलावा अगर आप नर्सिंग की फील्ड में डेयरी uh, फार्मिंग की फील्ड में या मिडवाइफरी की फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं योर क्वालिफिकेशन uh, या आपका डिप्लोमा डिग्री ऑटोमेटिकली ग्रीन लिस्ट में इंक्लूडेड है सो so, एज ऑफ नाउ इस वीडियो में जितने भी कोर्सेज में अगर एक्सल सेटल ब्रॉड की तरफ से आप अप्लाई करते हैं तो वीज़ा चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे एंड पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जितनी देर का आपका कोर्स है उतना आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलेगा सो so, अगर आप न्यूजीलैंड का स्टडी वीज़ा इन अपकमिंग जुलाई एज़ वेल एज सेप्टेम्बर इंडेक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी न्यरेस्ट एक्सल सेटलॉड ब्रांच विजिट कर सकते हैं या आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं वीडियो के नीचे आपको जूम लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जूम लिंक के थ्रू आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स से मीटिंग फिक्स कर सकते हैं एंड अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं फॉर न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा।